हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ भी हैं आप. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे. मेरा नाम है महालीज और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हाय, मेरा नाम है महालीज और मैं यहाँ पर हर हफ्ते आती हूँ मेकअप और एक कहानी की एपिसोड के साथ. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज हुआ हुआ है, थोड़ा सा कैमरा चेंज हुआ हुआ है. जैसे जैसे ये नई एपिसोड्स आती जाएंगी वैसे वैसे थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट भी आता जाएगा, क्योंकि मेरी कोशिश ये कि आपके पास बेस्ट कंटेंट पहुंचे जहां पे आपको देखने में और सुनने में मजा आए. वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि आज की जो स्टोरी है उसमें बहुत ग्राफिक बातें हैं, उसमें बहुत खून खराबे की बातें हैं, ऐसी बातें हैं जिसको बंदा सुन के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, जरा डार्क साइड पे हैं. तो अगर आप ये चीजें हैंडल नहीं कर सकते हो तो मैं हाईली आपसे सजेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो ना देखें. तो कहानी भी चलती रहेगी और जैसा कि आप जानते हैं मैं साथ में आज मेकअप भी करती जाऊंगी और आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बड़ा ग्लैमरस सा मेकअप. और अगर आप कभी सोच रहे होते हैं कि ये कौन सी प्रोडक्ट्स मैं यूज कर रही हूँ तो मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में वो सारी प्रोडक्ट्स और उनके नाम नीचे लिख देती हूँ. तो अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मैंने कौन सी लिपस्टिक यूज की है या मैंने कौन सा फाउंडेशन यूज किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको उनका नाम मिल जाएगा. आज की वीडियो में जिन पे बना रही हूँ उनका नाम है पॉल बर्नार्डो और कार्ला होमोका. इनको केन और बार्बी किलर के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत सा एक कपल था, जैसे बार्बी और केन होते हैं इस तरीके से. कार्ला होमोका, अच्छा मैं इसको सिर्फ कार्ला बोलूंगी, इसका लास्ट नेम मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है. कार्ला होमोका की पैदाइश हुई थी May 4, 1970 को. कहा जाता है कि कार्ला का जो बाप था वो फ्ली मार्केट में लैंप्स बेच कर कमाता था और उसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करती थी. तो कहा यह जाता है कि कार्ला का बचपन कोई बहुत भयानक नहीं गुजरा था. आई मीन एक एवरेज जिस तरह से बचपन गुजरता है किसी का, उसके पास माँ बाप भी थे, कोई डिवोर्स नहीं हुई थी, सेपरेशन नहीं हुई थी, तो शी हैड अ प्रीटी गुड चाइल्डहुड. कार्ला जो है वो सेंट कैथरीन्स में रहती थी और उसकी दो और बहनें थीं. कहा यह जाता है कि कार्ला के घर में स्विमिंग पूल होता था तो सारा नेबरहुड वहीं पे जमा होता था, यानी एक गैदरिंग प्लेस बन जाती थी. उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कार्ला जो है वो बहुत ही आउटगोइंग थी, यानी वो शर्मीली बच्ची नहीं थी, वो लोगों को अप्रोच करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी और वो अपने स्कूल में बड़ी ही पॉपुलर थी. कार्ला जो थी अपनी बहनों की सबसे बड़ी बहन थी और बहुत ही खूबसूरत थी, यानी ब्लॉन्ड हेयर, नीली नीली आंखें, यू नो वो अपने आप को बड़ा फिट रखती थी तो वो बहुत ही खूबसूरत भी थी. कार्ला स्कूल में भी बड़ी ब्राइट थी, वो अपने पढ़ाई लिखाई पे भी उसने बहुत फोकस किया था और वो काफ़ी स्मार्ट थी अपने स्कूल में पॉपुलर होने के साथ साथ भी. हमको पता है यहाँ पर स्कूलों में ये होता है कि कुछ पॉपुलर किड्स होते हैं, कुछ नर्डी किड्स होते हैं, तो वो उन पॉपुलर लोगों में सी थी. उसके पीछे काफ़ी लड़के भी पड़े हुए थे, उसके चंद बॉयफ्रेंड्स भी रहे स्कूलों में और काफ़ी लड़के जो हैं ख्वाहिशमंद थे कि ये हमारे साथ भी डेट पे जाए. इसके फ्रेंड्स ये कहते हैं कि कार्ला जब टीन एज ईयर्स में आई तो उसके अंदर थोड़ा सा चेंज पाया गया. वो जो है ज़्यादा जो है डार्क साइड पे जाने लगी, यानी कि वो वीजी बोर्ड यूज़ करती थी, उसने काले कपड़े पहनने शुरू हो गए, उसको मौत से जिसे कहते हैं ना एक सेटेनिक चीज़ों से जो है ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी उसमें दिखाने लगी. कार्ला के एक फ्रेंड ने ये बताया कि कार्ला का एक कुत्ता जो था जो मर गया था और उसको उन लोगों ने अपने बैकयार्ड में ही गार्डन में ही दफन कर दिया था, तो कार्ला पीछे पड़ी हुई थी, किसी तरह से वो जाकर उसकी जो कब्र थी उसको खोदे और उस कुत्ते को बाहर निकाले. पहले तो वो सिर्फ सोचती ही रही, मगर फिर एक दिन उसने जाके यही किया और उसकी फ्रेंड वहाँ पर खड़े होकर उसको देखती रही और उसने अपने कुत्ते की डेड बॉडी जो है वो टिकअप करके बाहर निकाल दी. आगे चल के कार्ला ने एक पेट जैसे वेटरनरी क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया और उसी वेटरनरी क्लिनिक वालों ने कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसके लिए कार्ला को टोरंटो भेजा, क्योंकि कार्ला सेंट कैथरीन्स में रहती थी और सेंट कैथरीन्स और टोरंटो के बीच में 1.5 घंटे या 1 घंटे की ड्राइव है. तो वो यूजुअली ये होता है कि जब लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं तो उनके एम्प्लॉयज उनको होटल्स वगैरह में ठहरा देते हैं क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस 1-2 दिन के लिए चलती हैं. तो खैर वो वहाँ पर एक होटल में ठहरी हुई थी और एक रात वो वहाँ पर अपनी दोस्त के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रही थी होटल की लॉबी में और उसी वक्त पॉल बर्नार्डो जो है वो भी उस होटल में आता है. कहा यह जाता है कि जैसे ही पॉल और कार्ला की आंखें मिली, नैन मिले, तो ऐसा था कि जैसे कि एकदम से लव इन फर्स्ट साइट तो नहीं कहेंगे मगर लस्ट इन फर्स्ट साइट जरूर था उन लोगों का.
तो क्योंकि पॉल भी बड़ा आउटगोइंग बंदा था, तो उसने आकर कार्ला के साथ बातचीत करनी शुरू की और वो दोनों ऐसे बातचीत करने लगे जैसे कि सदियों से एक दूसरे को जानते हो, और एक इंस्टेंटली जैसे होता है ना उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, एक कनेक्शन बन गया। अब जो दोस्त उसके साथ थी, ऑब्वियसली उसने देखा कि भाई ये दोनों तो आपस में ही बातें करने में लग गए हैं, तो वो ऑब्वियसली वो अपने कमरे में चली गई और ये दोनों वहां पर लेट बैठे रहे और बातें करते रहे। कहा ये जाता है कि बातचीत करने के बाद कार्ला पॉल को अपने कमरे में लेके चली गई और फिर वहां जाके उन लोगों ने कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज की और उनके अंदर एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया था, यानी कि दे वर सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू ईच अदर एक दूसरे के साथ, और इसके साथ साथ उनकी जो मेंटल अट्रैक्शन थी वो भी, कनेक्शन जो था वो भी काफी मैच कर रहा था। इस वक्त कार्ला की उम्र सिर्फ 17 साल थी और पॉल की उम्र 22 ईयर्स यानी 22 साल थी। कनाडा में लीगल एज जो है कंसेंट की, या आप कह सकते हो जहां पर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जा सकते हो, वो है 16। कार्ला भी दूसरी लड़कियों की तरह ये चाहती थी कि उसको एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिले, और पॉल क्योंकि उसके एज में थोड़ा सा बड़ा था तो वो बड़े फखर से हर किसी को बताती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है मुझसे एज में बड़ा है। पॉल के पास गाड़ी थी, उसके पास जॉब थी और वो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत था। इवन दो कार्ला के पीछे बहुत सारे स्कूल के लड़के पड़े हुए थे, मगर वो बिल्कुल ही पॉल को मिलने के बाद उससे एकदम से ऑब्सेस हो गई थी। पॉल केनेथ बर्नार्डो, जिसकी पैदाइश अगस्त 27, 1964 में हुई, ये भी स्कारो में पैदा हुआ था। लास्ट टाइम जो हमने बात की थी वो भी हमने लूका के बारे में बात की थी, स्कारो में से बड़े रेपिस निकल रहे हैं भैया, क्या बात हो गई है स्कारो में। तो ये भी स्कारो से ही था। अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पॉल का बचपना कैसे गुजरा था। तो कहा यह जाता है कि पॉल का बचपना बड़ा अच्छा गुजरा, उसके माँ बाप यही बताते हैं कि वो बड़ा खुशबाश बच्चा था, हंसता खेलता रहता था, स्कूल में भी बड़ा शार्प था, वेल मैनर्ड था, पोलाइट था, और जब वो हंसता था उसके इतने अच्छे अच्छे डिम्पल्स पड़ते थे, तो बहुत खुश बच्चा था। जब पॉल 16 साल का हुआ तो अब ये क्लियर नहीं है कि उसको बाय एक्सीडेंट ये बात पता चली या उसकी माँ ने उसको खुद ही बता दिया कि पॉल जो है वो शादी के बगैर जो है उसको कंसीव किया गया, यानी कि जो उसका बाप अभी था वो उसका सौतेला बाप था, उसका असली बाप नहीं था। इस चीज को लेकर पॉल को बहुत दुख हुआ और वो काफी डिस्टर्ब भी रह हो गया इस चीज से, और गुस्सा भी था वो अपनी माँ के ऊपर। अब पॉल का जो स्टेप फादर था उसका रिलेशनशिप पॉल के साथ बहुत अच्छा तो नहीं था, मगर उन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी, उन दोनों को लड़कियों को छुप छुप के देखना बहुत पसंद था। उसका बाप जिसका नाम केनेथ था, उसने अपनी ही बेटी को सेक्सुअली अब्यूज किया, और उसके अलावा भी उसने एक और लड़की के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की, तो उसको चार्ज किया गया था चाइल्ड मोलेस्टेशन के चार्ज पे 1975 में। अब पॉल की माँ बहुत डिप्रेस हो गई थी ये चीज देखकर कि उसका हस्बैंड जो है उसको चार्ज कर लिया गया है, तो उसने स्कार्ब्रो में एक बेसमेंट लिया और वो वहां रहना शुरू हो गई। ये चीज पॉल के अंदर भी थी, वो भी छुप छुप कर जो है लड़कियों को, औरतों को उनके घरों में देखता था, और ऐसे लोगों को यहाँ पर एक नाम दिया जाता है पीपिंग टॉम के नाम से, जो दूसरों के घरों में जा जाके खिड़कियों से देखते हैं लड़कियों को अनड्रेस होता हुआ देखते हैं, तो ये सारी चीजें उसके साथ डिवेलप हो गई। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और उसकी गर्लफ्रेंड्स बनना शुरू हुई तो ऑब्वियसली वो उनके साथ पीपिंग टॉम वाली हरकतें तो नहीं करता था, मगर सेक्सुअली जो उसका बिहेवियर होता था वो बहुत ज्यादा वायलेंट होना शुरू हो गया। और ऐसी बात नहीं है कि पॉल को सेक्स मिल नहीं रहा था या उसको गर्लफ्रेंड्स मिल नहीं रही थी, वो बड़ा खूबसूरत बंदा था और उसको काफी सारी लड़कियां अप्रोच करती थी और उसकी काफी सारी गर्लफ्रेंड्स भी रही, मगर उनके साथ उसका साथ नहीं चला। उनका यही कहना था कि वो बहुत वायलेंट हो जाता था, स्पेशली ड्यूरिंग हैविंग सेक्स। पॉल बर्नार्डो सर विल्फर्ड लॉरियल कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट जो स्कार्ब्रो में है वहां पर स्कूल में पढ़ता था, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कार्ब्रो जो सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो स्कार्ब्रो का कैंपस है 1982 में
उसने वहां पर दाखला लिया और फिर उसके बाद वो एक कंपनी एमवे के साथ काम करना शुरू कर दिया उसने, और वो मेरे ख्याल से ट्रेन कर रहा था एक अकाउंटेंट बनने के लिए। ये भी कहा जाता है कि वो काफ़ी सारी ऐसी मोटिवेशनल टेप्स हैं या बुक्स हैं वो रीड करता था, जैसे कि गेट रिच यू नो बी फेम, ऐसी तरह से कोई बुक्स हैं। और ये भी सुनने में आता है कि पॉल जो है एक नॉवल जो 1991 में आया था जिसका नाम था अमेरिकन साइको, उसको वो पॉल जो है बिल्कुल ऐसे पढ़ता था जैसे कि बाइबल, तो वो उससे अपसेस हुआ हुआ था उस बुक के साथ। अब पॉल और कार्ला जब एक दूसरे से मिले तो जैसे कि पॉल के अंदर जो सेडिस्टिक, इसे कहते हैं सेडिस्टिक जो क्वालिटीज थी, मतलब कि औरतों को डोमिनेट करना सेक्स करते हुए या औरतों पे जुर्म करना सेक्स करते हुए, उन पे तशद्दुद करना, ये चीजें जो है कार्ला में भी पाई गई, यानी कि वो उन चीजों से अग्री करती थी और वो उसके सामने सबमिसिव हो जाती थी, यानी वो कहती थी कि ठीक है तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम वो कर सकती हो। इस तरह के वो लेटर्स भी उसको लिखती थी, इसी तरह से उनकी कॉन्वर्सेशंस होती थी, और यू नो शी वॉज अप फॉर एनीथिंग बेसिकली। अब पॉल के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो यूनिवर्सिटी में जा रहा था और उसके फ्रेंड्स से जब बातचीत हुई तो वो यही बताते कि पॉल जो था वो एक तो सक्सेसफुल था, वो बहुत ही आउटगोइंग था, यानी कि वो शर्मीला बंदा नहीं था और वो लोगों से आराम से बात कर सकता था, लोग उसकी कंपनी में रहना पसंद करते थे। कहा यह जाता था कि अगर पॉल किसी पार्टी में जा रहा है तो वो पार्टी अच्छी ही होगी और वहाँ पर यू नो पीपल विल हैव अ गुड टाइम। तो लोग उससे ऐसा नहीं था कि आपको देख के लगे कि भाई ये बंदा जो है ये इतना साइको हो सकता है या ये बंदा वैसा हो सकता है, वो बहुत अच्छा ड्रेस करता था, अपने आप को बात करने में बड़ा पोलाइट था, लाइक ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी चार्मिंग। तो ऐसा था, पॉल को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इसके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं और क्या भयानक चीजें चल रही हैं। अब 1987 या 1988 में जो है ये बात निकलती है कि स्कारब्रो की सड़कों पे एक रेपिस्ट फिर रहा है, यानी कि ये बंदा लड़कियों को पीछे से अप्रोच करता था, यानी जो भी लड़कियां होती थी और यंग लड़कियां होती थी टीनेजर्स, उनके पीछे से आके उनके मुंह पे हाथ रख के या उनको ग्रैब करके उनको लेके जाता था और उनके साथ सेक्सुअली टॉर्चर करता था, उनको उनके ऊपर तशद्दुद करता था और ऑब्वियसली उनका रेप करता था। और ये पुलिस ऑफिसर हैं जिसने आई गेस ये बंदा इसके केस पे काम कर रहा था, तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे केसेस देखे हैं और ऑब्वियसली एक पुलिस या इन्वेस्टिगेटर की लाइफ में वो केसेस बहुत सारे केसेस देखते हैं राइट, तो वो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो इस पुलिस वाले ने ये कहा कि ये जो तशद्दुद के इसके जो तशद्दुद के केसेस आ रहे थे ये बहुत ही ब्रूटल थे, बहुत ही वायलेंट थे और उसने ऐसे केसेस उस वक्त तक नहीं देखे थे। अब पॉल इन लड़कियों को पीछे से अप्रोच करता था तो इसमें से ज्यादातर विक्टिम्स जो थे उन्होंने उसकी शक्ल नहीं देखी, और कहा यह जाता है कि कभी कभार वो अपने विक्टिम्स को छोड़ देता था एक सेकेंड के लिए और उनको ऐसा लगता था कि वो निकल के अब भाग सकती हैं, और वो फिर से उन पर अटैक करता था और फिर से उनको टॉर्चर करता था। पॉल अपने विक्टिम्स को कैसे पकड़ता था, तो वो लड़कियां जो रात के अंधेरे में ट्रैवल कर रही होती थी, बसेस में ट्रैवल कर रही होती थी या रात को जॉगिंग करने के लिए निकली हुई होती थी, तो ये पीछे से जाकर उनको पकड़ता था और उनको झाड़ियों में ले जाता था, वहां पर वो उनसे कि या तो ओरल करवाता था, उनके साथ इंटरकोर्स भी करता था और उसके बाद उनको मारता भी था। ये बंदा अक्सर ये होता था कि औरतों की जो वैजिनल एरिया है उसमें पत्थर या लकड़ियां स्टोन्स वगैरह जो है वो भी घुसेड़ देता था, उनको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करता था। पहले की जो रिपोर्ट आनी शुरू हुई थी वो सिर्फ आती थी कि भाई हमें किसी ने पीछे से हाथ लगा लिया, हमें किसी ने पकड़ लिया, मगर एक साल जब गुजर गया तो उसके बाद रिपोर्ट चेंज होना शुरू हो गई, वो ग्रोपिंग खत्म हो गई थी, अब सेक्सुअल असॉल्ट होना शुरू हो गए थे लड़कियों पे। तो अब पुलिस वालों ने ऑब्वियसली स्कारब्रो में जितने लोग रहते थे उनको वार्न करना शुरू किया, स्पेशली लड़कियों को, कि आप अपनी सराउंडिंग जो है उसको देखो, रात को अकेले नहीं ट्रैवल करें, रात को ट्रैवल नहीं करें। एक तरह से वो पूरी कम्युनिटी को वार्न करना चाहते थे कि भैया आप अगर बाहर निकल रहे हो तो विजिलेंट रहो, देखो आप कहाँ जा रहे हो। और उन्होंने इसी दौरान अपनी जो पेट्रोलिंग होती थी उसको भी ज्यादा बढ़ा दिया, मगर फिर भी वो पॉल को नहीं पकड़ सके। जब पुलिस वालों ने विक्टिम्स या जो आई विटनेसेस जिन्होंने उसको थोड़ा बहुत देखा होगा,
तो उन लोगों से क्वेश्चन करने शुरू किए, तो क्योंकि ये अपने विक्टिम्स को पीछे से आके ग्रैब करता था, तो किसी ने उसकी शक्ल सही से देखी नहीं थी। सिर्फ वो ये बता सकते थे कि एक यंग बंदा है, लंबा है, यू नो उसके लाइट कलर बाल हैं, वो गुड लुकिंग सा है, यू नो एक वेग सी पिक्चर बनी हुई थी। तो पुलिस वालों के पास कोई एक ऐसा स्केच नहीं था जिससे वो पता कर सकें कि ये बंदा कौन है। उसके बाद पुलिस वालों ने 100 से ऊपर लोगों के, जिनको वो सस्पेक्ट समझ रहे थे, सस्पेक्टेड थे, उन लोगों के डीएनए लिए और वो डीएनए मैच करने की कोशिश की विक्टिम्स के जो डीएनए थे उसमें से, मगर उनमें से किसी का भी डीएनए मैच नहीं किया। तो इस वक्त पुलिस वालों ने एफबीआई के एक प्रोफाइलर को बुलाया। ये प्रोफाइल करके बताते हैं कि भाई अगर एक रेप हुआ है, क्या वो रेप दूसरे रेप से भी लिंक्ड है, या ये सारे रेप जो हो रहे थे वो क्या एक ही बंदा कर रहा था या डिफरेंट लोग थे। तो इस वजह से एफबीआई बंदे को बुलाया गया कि आप देखो इसको, इन चीज़ों को जोड़ो कि क्या ये वो एक ही बंदा है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है या डिफरेंट लोग इसमें मुलविस हैं। तो जो एफबीआई का जो एनालाइजर था उसने 4 और केसेस को इसी एक ही बंदे से जोड़ा। तो अब तक ऑलमोस्ट 11 केसेस थे जो आ गए थे, जो इनको कंफर्म पता था कि ये एक ही बंदा है जिसने ये सारे 11 केसेस किए हैं। अब जो एफबीआई का प्रोफाइलर था उसने ये डिटरमिन किया कि ये जो भी बंदा था उसके सारे केसेस जो थे, यानी वो एंगर बेस्ड थे और वो सिडिस्टिक बंदा था। और उसने ये भी कहा कि ये बंदा जो है ये बहुत ही इंटेलिजेंट सिडिस्टिक साइकोपैथ है और ये पूरे माशरे के लिए यानी कम्युनिटी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। उसने ये भी कहा कि ये जो भी बंदा है ये मोस्ट लाइकली उसी एरिया में रहता है, कोई फैमिली बेस्ड होम में रहता है और मोस्ट लाइकली इसकी जितनी भी रिलेशनशिप्स होंगी उसमें ये वायलेंट ज़रूर बिहेव करता होगा। तो ये सारी चीज़ें यू नो एफबीआई प्रोफाइलर ने आके बताई ताकि ये जो केस है इसको आगे बढ़ाया जा सके और वो इस रेपिस को किसी तरह से पकड़ ले। जब पॉल और हमोका मिले 1987 में, तो तब तक ऑलरेडी 3 केसेस हो चुके थे स्कारब्रो रेपिस के, ऑलरेडी आ चुके थे बाहर। भी कार्ला ने ये सस्पेक्ट नहीं किया कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो ऐसा हो सकता है, या जो ये स्कारब्रो रेपिस्ट है वो मेरा बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल ही परफेक्ट थी, पिक्चर परफेक्ट जिसे कहते हैं ना। वो उसके साथ खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ बॉयफ्रेंड लाइक दैट, यानी उसकी तो जैसे कहते हैं ना ख्वाबों का राजकुमार उसको मिल गया था। तो उसने बिल्कुल भी इस पे सस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि पॉल जब भी कार्ला से मिलने जाता था तो वो उसके लिए फूल लेके जाता था, उसको काफी सारे गिफ्ट देता था, यानी उसने उसको बड़ा ही खुश रखा हुआ था। तो यानी कौन सी बंदी ऐसी है जो कहेगी कि भाई डाउट करेगी, यानी कोई रेड फ्लैग्स नहीं थे ऐसे। अक्सर रिलेशनशिप्स में होता है ना कि आपको रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि भैया ये बंदा ऐसा है या ये बंदी वैसी है, मगर ऐसा कुछ उसको नहीं दिखा। वो या अपने प्यार में इतनी पागल थी कि उसको दिख भी रहा होगा तो शायद उसने इग्नोर कर दिया होगा। आई एम जस्ट गेसिंग दिस, आई डोंट नो। वो हमेशा कार्ला से कहता रहता था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, और वो कितना उसको पसंद करता है, कितना उससे प्यार करता है। तो ऑब्वियसली उनकी रिलेशनशिप जो है वो मूव हो रही थी और उनकी रिलेशनशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब इन लोगों की रिलेशनशिप को चलते चलते 18 महीने हो गए थे और पॉल रहता था स्कारब्रो में और कार्ला रहती थी सेंट कैथरीन्स में, तो इनके बीच में 80 किलोमीटर का डिफरेंस था। मगर पॉल हफ्ते में कई दफा कार्ला से मिलने के लिए जाता था। अब कार्ला की जो फैमिली थी वो भी पॉल को बहुत पसंद करती थी, उनको उनकी एज डिफरेंस से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि पॉल बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, उसके पास अच्छी जॉब है, गाड़ी है, यू नो, और वो देखने में भी बड़ा खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो उनकी बेटी का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखता था, तो ऑब्वियसली सारे ही माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को ऐसा पार्टनर मिले जो उनका ख्याल रखे, उनकी हर खुशी का ख्याल रखे, तो वो इस वजह से पॉल को बहुत पसंद करते थे। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे केसेस में ना हम लोग ये समझते हैं, हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई ये जो सीरियल किलर्स होंगे या जो रेपिस्ट होते हैं उनकी शक्लें भयानक सी होंगी, मॉन्स्टर की तरह होंगी, मगर हम ये भूल जाते हैं कि यू नो ये भी हमारे और एवरेज लोगों की तरह दिखते हैं। इनमें चंद लोग खूबसूरत भी निकलेंगे, चंद लोग ऐसे नहीं दिखेंगे, मगर ये जो क्वालिटीज एक साइकोपैथ की होती है ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि ये सारी चीजें प्लान करना और बचना
एक क्राइम से वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता है। इन लोगों का दिमाग जो है वो बहुत तेजी से चल रहा होता है, तो अक्सर हम यही सोच रहे होते हैं कि नहीं यार इतना खूबसूरत बंदा है और इतना सक्सेसफुल है, ऐसा है वैसा है, तो ये कैसा ऐसे कर सकता है। मगर मैं आपको आगे बहुत सारे ऐसे केसेस दिखाऊंगी जहाँ पर ये बिल्कुल ही गलत साबित होता है। लुक से कुछ नहीं होता है, यू नो लुक्स हैव नथिंग टू डू विद इट टू बी ऑनेस्ट। 1989 की स्प्रिंग में कार्ला जो है वो अपने हाई स्कूल से ग्रेजुएट कर लेती है और अब वो प्लान कर रही होती है कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। यानी लोग यूजुअली ये करते हैं कि हमें कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, क्या यू नो अपना नेक्स्ट प्लानिंग में लगी हुई थी। तो उस वक्त उसने अपने फ्रेंड्स को ये बताया कि उसकी रिलेशनशिप पॉल के साथ जो है सही तो थी, मगर उसने ये बताना शुरू किया कि पॉल जो है उसके साथ अब जो है वर्बली यानी जबानी जो है उसके साथ काफ़ी अब्यूसिव होता जा रहा है और आई गेस उनकी लड़ाइयाँ होती होंगी और वो उसको वर्बल अब्यूज़ भी जो है ना बड़ी चीज़ है। लोग समझते हैं कि अगर आप घर पे हो और आपको गालियाँ पड़ रही हैं और चीखम चिल्लाहट हो रही है तो वो भी एक तरह का वर्बल अब्यूज़ होता है वो भी, और वो भी लोगों को काफ़ी जो है अफेक्ट करता है। तो खैर उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई कि पॉल जो है वो मेरे साथ जो है वर्बली अब्यूसिव होना शुरू हो गया है। अब जब इन लोगों की लड़ाइयाँ होती थी तो ऑब्वियसली लड़ाई करने के बाद पॉल आ जाता था और अपोलोजाइज करता था कि आई एम सॉरी मैं आगे नहीं करूँगा, ये है वो है। तो उनकी रिलेशनशिप इस तरह से आगे बढ़ती रही। ऑब्वियसली कार्ला उसको माफ़ कर देती थी, तो मगर जैसे कि उनकी रिलेशनशिप पहले स्टार्ट हुई थी बड़ी लवी डवी, अब उसमें थोड़े से झगड़े वगैरह आना शुरू हो गए थे। मगर ऑब्वियसली ज़्यादातर यही है देखा गया ऐसे केसेस में, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो पहले यही करते हैं और फिर बाद में आके लल्लू पच्चू करके फिर सलाह कर लड़कियों को मना लेते हैं, और लड़कियाँ अक्सर केसेस में मान भी जाती हैं। इसी वजह से बहुत सारी अब्यूसिव रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिसमें से पार्टनर जो है उसको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो एक दिन आपको मारेंगे पीटेंगे, एक दिन वर्बली अब्यूज़ करेंगे, अगले दिन आकर कहेंगे कि मैं बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो उन लड़कियों के लिए इस तरह से रिलेशनशिप में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1989 दिसंबर में पॉल कार्ला को एक रोमांटिक गेटअवे पे लेके जाता है नायगरा फॉल्स में, और इसी रोमांटिक गेटअवे पे पॉल जो है कार्ला को प्रपोज कर देता है शादी के लिए। और कार्ला ऑब्वियसली वो तो शादी का कब से ख्वाब देख रही थी, तो उसने ऑब्वियसली पॉल को हाँ कह दी। अब कार्ला वापस सेंट कैथरीन्स जाती है और अपने माँ को बताती है, और वो बहुत इस चीज़ से एक्साइटेड थी कि मेरी शादी होने वाली है, और उसके माँ बाप भी बड़े खुश हुए इस चीज़ से क्योंकि वो तो वैसे ही पॉल को बहुत पसंद करते थे, और अब वो उन्हें और खुशी हो रही थी कि अब वो उनका दामाद बनने जा रहा है, उनके बेटों की तरह होगा, यू नो, सो दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। अब पॉल और कार्ला दोनों डिसाइड करते हैं अपनी शादी की तारीख, और वो है स्प्रिंग 1991। अब May 29, 1990 को पुलिस एक स्केच जारी करती है और वो बताती है लोगों को कि ये शायद वो हो सकता है, यानी शायद क्या ये वो स्कार्ब्रो रेपिस्ट का स्केच है, और वो पब्लिक को अवेयर करने के लिए यानी मदद मांगती है पब्लिक से कि अगर आप लोगों ने किसी ने भी इसको देखा है तो हमसे प्लीज़ रब्ता कीजिए ताकि हम इस बंदे को क्वेश्चनिंग के लिए लेकर आ सकें। अब ये स्केच जो रिलीज हुआ था ये यानी हर न्यूज़पेपर पे हर जगह पर जो है ऑब्वियसली अपलोड कर दिया गया और दिखाया जा रहा था लोगों को। तो जो पॉल के चंद दोस्त थे वो यानी वो सोचने लगे यार कि तो हमारे फ्रेंड पॉल की तरह लग रहा है। तो पॉल का एक बेस्ट फ्रेंड जो था उसने पुलिस वालों को फ़ोन किया और कहा कि ये तस्वीर जो है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की शक्ल से बहुत मिलती है। और फिर नवंबर 1990 यानी दो महीने बाद ही और लोगों ने पुलिस को फ़ोन करके बताने लगे कि भाई ये जो है ये बंदा है पॉल के नाम से और ये स्केच जो है इस बंदे से बहुत मिलता जुलता है। तो फिर ऑब्वियसली पुलिस ने पॉल को कांटेक्ट किया और पॉल को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। अभी तक देखें जब तक आपके हाथ में सॉलिड एविडेंस नहीं आता तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, कोई अरेस्ट वारंट नहीं ले सकती है। तो उनको 100% श्योर होना पड़ता है कि जिस बंदे को हम ढूंढ रहे हैं वो यही है। तो इस वजह से उसको लेकर आया गया और फिर पॉल से कहा गया कि वो भी अपना DNA सैंपल दे, जहाँ पे पॉल ने आर्ग्यू नहीं किया और पॉल ने अग्री करके कह दिया कि हाँ आप मैं आपको DNA सैंपल दे देता हूँ, और उसने वो DNA सैंपल दे भी दिया। अब वो DNA सैंपल जाता है लैब्स में टू गेट टेस्टेड,
मगर क्योंकि उनके पास ऑलरेडी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ दूसरे केसेस होंगे या दूसरी चीज़ों के सैंपल्स, दूसरे डीएनए सैंपल्स चेक करने के लिए थे, तो इसकी बारी नहीं आई और ये उनके बस शेल्फ पे ही पड़ा रहा। अब कहा यह जाता है कि उस जमाने में ऑब्वियसली 90s में डीएनए सैंपलिंग जो थी वो इतनी बेहतर नहीं थी टेक्नोलॉजी जितनी आजकल के जमाने में हो गई, और इतनी तेजी से नहीं हो सकता था, यानी रिजल्ट्स नहीं आते थे, और पॉल के डीएनए चेक होने में टाइम लगा, और बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। आई थिंक ये मेरे ख्याल से इस केस का सबसे अनफॉर्चुनेट इवेंट है, क्योंकि अगर टाइम पे ये चीज कर ली जाती तो आगे आप देखेंगे कि बहुत सारे नुकसान होने से बच सकते थे, मगर व्हाट कैन यू डू, अब जो हो गया है तो वो हो गया है। मगर आप यही देखोगे इन केसेस में, या तो पुलिस की थोड़ी नाअहली होगी या कहीं पे भी थोड़ी सी आप देरी कर देते हो ना, तो उससे उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही भयानक आते हैं बाद में। और कहा यह जाता है कि पॉल ने अपना डीएनए क्यों दिया, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा था कि वो इनोसेंट है। अगर वो ये कहता कि नहीं मैंने डीएनए नहीं देना है, तो यू नो उस पर सस्पिशन ज्यादा बढ़ जाता पुलिस वालों का, तो इसी वजह से उसने कहा नहीं नहीं मैं डीएनए दे दूंगा, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने तो ये किया ही नहीं है। और बहुत सारी ये साइकोपास मैं आपको बता रही हूँ, ये बड़े ही चालाक होते हैं इन केसेस में, और उनको वही बात आ जाती है ना, ये पुलिस और चोर सिपाही खेलने का जो है ना उनको बड़ा शौक होता है, तो वो इसी वजह से वहां गया और उसने कहा हाँ हाँ आप मेरा डीएनए ले लो, मैं अभी लैशेज लगा के फौरन वापस आती हूँ, आपने कहीं जाना नहीं है। ओके, अब जब पुलिस वालों ने इसको क्वेश्चनिंग के लिए वहां बुलाया, उसके फौरन ही बाद पॉल ने ये डिसाइड किया कि वो भी सेंट कैथरीन्स मूव होना चाहता है, ताकि वो कार्ला के फैमिली के साथ जाके वहां रहे, और उन दोनों ये डिसाइड किया कि हम लोग उनके पेरेंट्स के साथ रहेंगे ताकि हम पैसे बचा सकें और यू नो अपने फ्यूचर के लिए घर खरीदें बाद में, यू नो तो जैसे लोग करते हैं अक्सर। तो इस वजह से पॉल जो है सेंट कैथरीन्स मूव हो गया। अब जैसे ही पॉल सेंट कैथरीन्स में मूव हुआ, तो सारे जितने जुर्म हो रहे थे, जितने रेप हो रहे थे, अब्यूज के केसेस हो रहे थे स्कारबरो में, वो एकदम से बंद हो गए, और केसेस कहां बढ़ने शुरू हो गए, सेंट कैथरीन्स में। अब कार्ला की फैमिली को तो बिल्कुल ये आइडिया नहीं था कि उनका जो दामाद है या होने वाला दामाद जो है वो किन हरकतों में मुलव्वस है और वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो यानी उसकी फैमिली उसको बहुत ही चाहती थी, यू नो उसको बहुत ही अडोर करती थी, स्पेशली जो कार्ला की छोटी बहन थी, 15 साल की बहन जो थी, वो पॉल में एक भाई देखती थी जो उसके पास कभी था नहीं। याद रखें कि ये तीन बहनें थी, इनका कोई भाई नहीं था, तो उसको अपने बड़े भाई की तरह देखती थी, मगर पॉल उसको कुछ और ही नजर से देखता था। ऐसा ऐसा करके पॉल की फीलिंग्स कार्ला की छोटी बहन के लिए सेक्सुअली होने लगी, और वो उसको छुप छुप के देखा करता था, वो जब कपड़े चेंज कर रही होती थी या नहा रही होती थी, उसको पता लगे बगैर वो उसको देखता था, और यानी वही हरकतें जो वो पहले करता था पीपिंग टॉम, और वो कार्ला की छोटी बहन को सेक्सुअली फैंटेसाइज करना शुरू हो गया था। और ऑब्वियसली पॉल अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सका, और उसने एक दिन कार्ला से कहा कि मुझे तुमसे एक ऐसी चीज चाहिए जो तुम मुझको नहीं दे सकती हो। अब पूछे वो क्या चीज थी, तो उसने कार्ला को ये बताया कि मुझको वर्जिनिटी चाहिए, यानी मुझे वर्जिनिटी चाहिए। ऑब्वियसली जब कार्ला की रिलेशनशिप उसके साथ स्टार्ट हुई थी, कार्ला के पहले बॉयफ्रेंड्स थे, तो शी वॉज नॉट अ वर्जिन, और उसने उसको बहुत ही गिल्टी फील कराने की कोशिश की कि देखो तुम तो वर्जिन थी ही नहीं, तो मुझे ये चाहिए। और सबसे ज्यादा क्लोज कार्ला की वर्जिनिटी के क्या होता था, उसकी 15 साल बहन, राइट, 15 साल की जो बहन थी तो वो उससे क्लोजेस्ट थी, तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बहन की वर्जिनिटी चाहिए है। अब कार्ला क्योंकि वो डरी थी कि अगर मैंने वो नहीं किया जो ये चाहता है तो मुझे ये छोड़ देगा, यू नो, और वो उससे बहुत प्यार करती थी, तो कार्ला ने कहा ओके ठीक है, और उसने अग्री कर लिया इस चीज पे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई इस दुनिया में, पागलों की कमी नहीं है। और कार्ला पॉल को अपनी बहन की वर्जिनिटी क्रिसमस गिफ्ट में देना चाहती थी। तो एनीवेज फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि किस तरीके से उसकी छोटी बहन को ये लोग पकड़ें और उसके साथ पॉल जो है वो सेक्स करें। अब December 23rd, 1990, ये क्रिसमस का टाइम, क्रिसमस के करीब करीब टाइम है, यू नो। सो
सब लोग कार्ला की जो फैमिली है वो सोने चले जाते हैं, मगर कार्ला अपनी छोटी बहन को कहती है कि आप मेरे साथ रहो नीचे, हम लोग ड्रिंक्स करेंगे, तो छुप छुपा के उसने अपनी बहन को कन्विंस कर दिया। सब सोने चले जाते हैं, सिर्फ कार्ला, पॉल और उसकी छोटी बहन जो है वो वहां रह जाते हैं। फिर कार्ला इन सब के लिए ड्रिंक्स बनाती है। अब इस टाइम पे भी कार्ला जो है वो, आपको याद है कि वो वेटनरी हॉस्पिटल या क्लिनिक में काम कर रही थी, तो वहां से वो हॉर्स ट्रैंकुलाइजर, जो एक ड्रग है, यानी ट्रैंकुलाइज एनिमल्स को ट्रैंकुलाइज करने के लिए ली जाती है, सेडेट करने के लिए ली जाती है, उसने वो वहां से चुराई। और जब उसने वो ड्रिंक्स बनाई तो उसमें पिल्स उसने क्रश करके डाल दी ताकि उसकी बहन जो है वो बेहोश हो जाए। वो लोग ये चाह रहे थे कि उसकी बहन बेहोशी की हालत में रहे और पॉल उसके साथ उस वक्त सेक्स कर ले, और फिर वो जब होश में आएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके साथ कुछ हुआ भी है ऐसा। इसके साथ साथ कार्ला ने एक कपड़ा लिया और उसको हेलोफेन, जो कि जनरल एनेस्थेटिक है, और उसको भी अपनी बहन के मुंह पे रखा जब पॉल जो है उसके साथ सेक्स करने में लगा हुआ था, उसका रेप करने में लगा हुआ था। आई मीन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्टोरी जो है वो ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है, और इसको बनाते हुए भी मेरा जो है ना दिमाग इधर से उधर हो रहा है। तो एनीवेज, और यही नहीं, इन लोगों ने एक कैमरा ऑन किया और ये सारी चीज़ को रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिया ताकि उनके पास क्रिसमस की मेमोरीज होंगी। What kind of sickos are these? Like, seriously. अब जब पॉल ने सब कुछ करके खत्म कर लिया तो उसने कार्ला से कहा कि अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपनी बहन को इस तरीके से मलेस्ट करो, उसको सेक्सुअली अब्यूज करो, और कार्ला ने मान लिया और इसको वीडियो टेप भी किया इन लोगों ने। नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। थोड़ी ही देर बाद टैमी, जो कार्ला की छोटी बहन थी, वो उल्टियां करना शुरू कर देती है। तो अब ये लोग घबरा कर उसको कोशिश करते हैं कि उसकी किसी तरह से जो है उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। उसका चेहरा नीला पड़ना शुरू हो गया था, तो ये फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और जब एम्बुलेंस वाले वहाँ आते हैं तो उनसे बताते हैं कि इसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक करने के बाद ये उल्टियाँ करना शुरू हो गई है। हॉस्पिटल ले जाने की थोड़ी देर बाद ही टैमी की डेथ हो जाती है। अब एक डॉक्टर जो टैमी को एग्जामिन कर रहा था तो उसने नोटिस किया कि उसके मुंह के पास यहाँ पर एक बर्न मार्क है, यानी कोई जली हुई चीज़ या उसका यहाँ पे मुंह जला हुआ था। तो ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों ने वो जो कपड़ा था उसके मुंह पे रखा हुआ था, तो उससे वो बर्न मार्क्स हो गए थे उसके मुंह पे। तो पॉल ने और कार्ला ने ये कहा कि नहीं, जब हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, इसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, बेड से नीचे कारपेट पे आया तो ये कारपेट पे घसीटने की वजह से ये रग बर्न उसको हो गया है मुंह पे, और इन लोगों ने मान भी लिया उसको। और फिर क्या हुआ केस का आगे? कुछ भी नहीं हुआ केस का, उन लोगों ने उनकी स्टोरी को बिलीव कर लिया। और आई एम सो सरप्राइज, क्योंकि यूजली ऑटोप्सी की जाती है, मगर हाँ, आई गेस ऑटोप्सी तब की जाएगी जगह अगर फाउल प्ले हो। तो उन लोगों ने यही समझा कि नहीं, इसकी डेथ जो है वो नेचुरल कॉजेस से हुई है, जैसे कि ओवर ड्रिंकिंग से हो गई है, जैसे आप कहते हैं ना अल्कोहल पॉइजनिंग, उससे हुई है। मगर फिर भी आई एम वेरी सरप्राइज कि इन लोगों ने ऑटोप्सी नहीं की देखने के लिए कि उसकी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स थे, क्योंकि अगर वो फॉरन ही कर लेते तो उनको दिख जाता कि उसको क्या क्या दवाइयाँ दी गई हैं, वो हॉर्स ट्रैंकुलाइजर दिया है या क्या क्या नशे वाली चीज़ें दी हैं। एनीवेज, तो हॉस्पिटल वाले इसकी डेथ को नेचुरल डेथ कर देते हैं, और पॉल और कार्ला जो हैं वो बच जाते हैं। अब यही बात है ना कि 15 साल की बंदी जो है वो कैसे नेचुरल कॉजेस से इस तरह से मर सकती है? तो ये नेग्लिजेंस होता है लोगों के पार्ट पे, और अगर ये उसी वक्त डिटेक्ट कर लिया होता तो इस बंदे को और बंदी को पकड़ा जा सकता था, मगर क्योंकि उन लोगों ने इनकी बातों पे बिलीव कर लिया, इन लोगों को और टाइम मिल गया और क्राइम करने। और ऑब्वियसली अब कार्ला और टैमी के जो माँ बाप थे, किसी की जवान बच्ची, यानी अभी तो जवान हुई भी नहीं थी, वो टीनेजर थी, वो मर जाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी? तो वो लोग बहुत ही इस वक्त सदमे से गुजर रहे थे, मगर वो भी यही समझ रहे थे कि ये नेचुरल कॉजेस से उसकी डेथ हुई है। और उन लोगों ने यही सोचा कि भाई टीनेज ईयर्स में बच्चे जो होते हैं, टीनेजर्स जो होते हैं, वो डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ड्रग्स में, अल्कोहल में, तो कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि ओवरडोज हो जाता है। ड्रग्स के तो बहुत सारे ओवरडोज के केसेस हैं जहाँ पर बच्चे मर जाते हैं, अल्कोहल पॉइजनिंग के भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है।
तो वो इस इवेंट को इसी तरह से अनफॉर्चुनेट समझकर उन्होंने अपने आप से समझौता कर लिया एंड मूव्ड ऑन विद देयर लाइव्स। अब एक महीना गुजर जाता है डेमी की डेथ के बाद। अब तक इतने पैसे कार्ला और पॉल ने जमा कर लिए थे कि वो अपना घर खरीद सकें, और फिर वो लोग अपना घर खरीद, उन्होंने अपना एक घर पॉल डल उजी आई थिंक नाम है, कोई छोटा सा टाउन है सेंट कैथरीन के पास, वहां पे खरीदा। और ये बड़ा क्यूट सा घर है, और ऑब्वियसली अब तो ये जहाँ पर घर होता था उसको गिरा दिया गया है। अब मुझे नहीं पता इस वजह से गिरा है कि ये लोग वहां रहते थे या कुछ और चक्कर है, मगर वो घर अब वहां पर नहीं है। और अब जब ये दोनों अकेले मूव हो गए तो पॉल का जो अब्यूज था, जो पहले सिर्फ वर्बली होता था, वो एक नॉच ऊपर आ गया था। तो अब वो कार्ला को भी फिजिकली अब्यूज करना शुरू कर दिया था उसने, वो कार्ला को मारना शुरू कर दिया उसने, और वो कभी कभार उसको मस्ती मस्ती में मजाक में ही बोलता रहता था कि मैं जो हूँ मैं स्कारबरो रेपिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, यू नो, तो वो अपने आप को बताता था उसको, मगर ऑब्वियसली कार्ला उस पर बिलीव नहीं कर रही थी, आई मीन। और साथ में ही कभी कभार कार्ला जब इससे ये कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, और अगर क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा ही अब्यूसिव उसके साथ होना शुरू हो गया था, तो पॉल उससे कहता था कि अगर तुम मुझको छोड़ के जाओगी तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा और पुलिस को बता दूंगा कि तुमने अपनी छोटी बहन का कत्ल किया है, उसका रेप किया है, और उसके पास वो वीडियोस भी थे प्रूफ करने के लिए, यानी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। तो उसका यही चक्कर था कि इफ आई गो डाउन आई एम गोना टेक यू डाउन विद मी। सो इसी वजह से कार्ला छुप रही और उसने आगे किसी को भी ये चीज नहीं बताई। June 15, 1991, इसके 2 हफ्ते बाद ही पॉल और कार्ला की शादी की जो है डेट तय हुई हुई थी। पॉल घर आया और पॉल ने ये कहा कि वो कार्ला के लिए एक सरप्राइज लेकर आया। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई फूल, चॉकलेट्स या कोई गिफ्ट लेकर आया होगा, बट नो नो नो, पॉल एक 14 साल की लड़की को अपने साथ लेकर आया था जिसका नाम था लेस्ली महाफी। लेस्ली महाफी एक 14 साल की यंग लड़की थी, और अक्सर जो है उसके माँ बाप जो हैं उसको सजा के तौर पे, यानी उसके ऊपर एक कर्फ्यू लगा होता था कि भाई इसने इतने बजे आपने घर पहुँचना है, अगर तुम घर नहीं पहुँचोगी तो हम दरवाजे लॉक कर देंगे, ठीक है। उसके पास अपनी चाबी भी थी, अक्सर वो जब लेट हो जाती थी तो अपनी चाबी के साथ जो है दरवाजा खोल लेती थी, वो चली जाती थी। मगर इस रात वो बंदी लॉक्ड आउट हो गई और उसकी चाबी भी उसको नहीं मिली, तो वो अपने घर के बाहर ही वो इंतजार कर रही थी जहां पर पॉल ने उसको अप्रोच किया। और पॉल ने उससे कहा कि मेरे पास सिगरेट्स हैं, तुम्हें सिगरेट पीनी है? तो वो उसने कहा हाँ ऑब्वियसली, यू नो, मुझे सिगरेट पीनी है, आई गेस यही उसने बताया पॉल ने बाद में। और उसने कहा कि मेरी सिगरेट्स जो हैं वो मेरी गाड़ी में हैं, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी तक आओ, मैं तुमको सिगरेट निकाल के देता हूँ। जैसे ही वो उसकी गाड़ी की तरफ गई, करीब गई, उसने उसको गाड़ी में डाला और उसको लेकर आ गया किडनैप करके। अब इस लड़की को किडनैप करने के बाद इन लोगों ने उसको 24 घंटे तक अपने घर में रखा और उसको ब्रूटली टॉर्चर किया, और साथ साथ उसकी वीडियोस भी बनाते रहे। 24 घंटे के बाद टॉर्चर करने के बाद उस लड़की का गला दबाकर मार दिया गया, और फिर उसकी बॉडी के पीसेस करके ये लोग वहाँ पर एक लेक गिब्सन है जो इनकी लोकल लेक है, वहाँ पर लेके गए और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट बैग्स में ब्रेक्स या स्टोन्स के साथ पैक करके इन लोगों ने लेक में डाल दिया। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। July 29, 1991, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन लोगों ने 2 हफ्ते पहले ही लेस्ली महाफी को किडनैप करते हैं, ये इनकी वेडिंग की डेट थी। इस दिन कार्ला और पॉल दोनों जो हैं शादी कर लेते हैं, और इनकी शादी के बारे में कहा जाता है कि कार्ला को एक बिल्कुल ही फेरी टेल वेडिंग चाहिए थी, तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वेन्यू पिक किया। कार्ला का ड्रेस भी बिल्कुल जैसे शहजादियों की तरह होता है, प्रिंसेस की तरह वो था, यानी एक पूरी फेरी टेल वेडिंग इन लोगों ने की। और कोई इस वक्त तक ये नहीं जानता था कि इन दोनों के पीछे क्या गंदगी और क्या राज चल रहे हैं। और दोनों का कपल बड़ा खूबसूरत था, क्योंकि दोनों ही खूबसूरत लोग थे, तो लोगों को इनका कपल बड़ा पसंद आता था कि देखो कितना खूबसूरत कपल है इनका, कितने प्यारे लोग हैं, यू नो। तो यानी वही कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मगर सरप्राइजिंगली उसी दिन, इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन एक मछेरा जिसे कहोगे या फिशरमैन जो है वो लेक में, उसी लेक में था, और उसको उस लड़की के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। तो ऑब्वियसली फौरन पुलिस को बुलाया जाता है, और ये न्यूज़ हर जगह आग की तरह फैल जाती है कि इस बंदी, क्योंकि अब तक जो है ऑब्वियसली उसके माँ बाप ने शोर मचाया हुआ था, एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल हो चुकी थी कि इस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ डिसअपेयर हो गई है।
और फिर उन लोगों को ये पता चलता है कि उस बेचारी के पार्ट्स जो हैं वो लेक में से मिलते हैं, और ऑब्वियसली फिर पुलिस जाकर और भी उसके पार्ट्स रिकवर करती है वहाँ से। मगर अब तक ये न्यूज़ जो है सारे कैनेडा में हर जगह पे जो है ये न्यूज़ फैल चुकी थी, और जो पूरी कम्युनिटी थी लेसी महाफी की यानी उस कम्युनिटी में लोग अब डर गए थे, क्योंकि उसको उसके घर से ही लेके गया था वो बंदा, वो अपने बैकयार्ड में ही थी। यू नो, ऐसे नहीं कि भाई आपने कहीं और से, ये लोगों को उनके घरों पे ही अटैक कर रहा होता था जब वो उनके घर के बाहर ही होते थे, तो ऑब्वियसली सब लोग जो हैं बहुत डर गए थे। आगे पुलिस एक साल तक कोशिश करती रहती कि वो किसी तरह से भी ये मालूम कर लें कि इस बंदी को किसने मारा है। फाइनली वो जाकर उसी FBI प्रोफाइलर को लेकर आते हैं ताकि उससे पूछा जाए क्या ये वही केसेस हैं, क्या ये बंदा वही है जो स्कारब्रो रेपिस था, वो जो हरकतें कर रहा था, क्या ये वही है कि नहीं है। जो FBI प्रोफाइलर जो स्कारब्रो रेपिस के लिए बुलाया गया था, उससे जब ये पूछा गया कि तुमको इसमें और उसमें कोई कनेक्शन दिख रहा है, तो उसने ये कहा कि नहीं, मुझे इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अब काफ़ी टाइम गुजर चुका था, पॉल और कार्ला अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे, यू नो दे केप्ट गोइंग ऑन विद देयर लाइफ, पुलिस वालों को भी अभी तक कुछ नहीं पता था। अब मगर पॉल की जो अर्जेस थी वो तो कहीं नहीं गई थी, एक्चुअली अब उसकी अर्जेस और ज़्यादा हो रही थी, उसको और जो है ये नशा चाहिए था, क्योंकि एक तरह से ये नशा मिलता है लोगों को ये हरकतें करके। और दूसरी चीज ये थी कि उसको ये भी पता था कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, तो उसके दिमाग में यही था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं मगर मुझ पे कोई हाथ नहीं डाल सकता, मैं इनविजिबल हूँ तो मैं जितना भी कर लूँ, राइट। तो उसके अंदर ये भी जो है कॉन्फिडेंट बढ़ता जा रहा था, और वो चाह रहा था कि उसको और ऐसे लोग मिलें या और वो लड़कियों के साथ इस तरीके की हरकतें करें। तो उसने कार्ला से कहा कि कार्ला तुम्हारी जो बहन की दोस्तें हैं, याद है टैमी, तो उसने कहा कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उसकी जो दोस्तें हैं, तुम उनको अप्रोच करो, उनको हमारे घर में लेकर आओ, और फिर हम उनके साथ वही करेंगे, उनको ड्रग करेंगे, उनका रेप करेंगे और उनकी वीडियोस बनाएंगे। ऑलमोस्ट एक साल तक कार्ला यही करती रही, वो यंग लड़कियों को लेकर आती रही अपने घर पे, और वो घर पे लेकर आते थे, उनको ड्रग करते थे और फिर उनके साथ ज्यादती करते थे, उनकी वीडियोज बनाते थे। और ये सारी जितनी लड़कियां आ रही थी, तो ये विक्टिम्स एक्चुअली सर्वाइव कर लिया उन लोगों ने। I mean, उनको इतनी ड्रग्स दी जाती थी, वो बेहोश हो जाती थी, और जब उनको होश आता था तो उनको पता ही नहीं होता था कि उनके साथ कुछ हुआ है ऐसा। April 15th, 1992, पॉल और कार्ला एक ड्राइव पे निकलते हैं, और उनकी ड्राइव पे जाने का मकसद ये था कि वो अपने लिए एक सेक्स स्लेव ढूंढने गए, यानी कि एक लॉन्डी जिसे आप कहोगे। और वो ड्राइव करते करते जाते हैं तो उनकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। उस लड़की का नाम क्रिस्टन फ्रेंच था, जो 15 साल की थी, और वो उस वक्त अपने स्कूल से अपने घर की तरफ आई थी, तो ये आफ्टरनून का टाइम था, रात का टाइम भी नहीं था उस वक्त। वो उसको आता हुआ देखते हैं तो वो अपनी गाड़ी आगे एक चर्च के पार्किंग लॉट में खड़ी कर देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमको पास करके जाएगी। तो जैसे ही क्रिस्टन उनके पास से गुजरने लगती है तो कार्ला उसको बुलाती है, वेव करके कहती है क्या, यानी वो प्रिटेंड कर रही थी कि वो लोग घूम गए हैं, उनको रास्ते का नहीं पता है, तो उससे कहती है क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जगह कहाँ है, और उसके हाथ में एक मैप भी था, तो ऑब्वियसली कन्विंसिंग लोगों को लग जाता है कि भाई हाँ शायद वाकई में ये लोग लॉस्ट हुए हैं। तो वो लड़की वहाँ पर उनके पास गई, और जैसे ही वो गई इन लोगों ने उसको गाड़ी में डाला और उसको किडनैप कर लिया। अब ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा था और फौरन ही जो है जो लड़की जिसको अगवा किया गया था क्रिश्चियन, उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दी कि भाई क्या हुआ, क्योंकि ये दिन दहाड़े एक किडनैपिंग हुई थी। चंद आई विटनेसेस ऐसे थे जिन्होंने पुलिस को ये बताया कि क्रिश्चियन को उन्होंने देखा था चर्च पार्किंग लॉट में दो लोगों के साथ बात करते हुए। फिर उन्हीं आई विटनेसेस ने ये भी बताया कि वो जो गाड़ी उन लोगों ने देखी थी वो एक बेज कैमरो थी। तो ऑब्वियसली अब जब ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिल गई तो पुलिस वालों ने हर जगह इसको शेयर करने की कोशिश की, यहाँ तक के बड़े बड़े बिलबोर्ड्स भी लगे हुए थे जहाँ पे लिखा हुआ था हैव यू सीन दिस कार, किसी ने इस गाड़ी को देखा है। तो मगर जो आई विटनेस थे उनसे गलती हो गई थी और उन्होंने सही गाड़ी नहीं बताई थी, क्योंकि पॉल बेज कैमरो नहीं, एक निसान ड्राइव करता था, वो भी गोल्ड रंग की, और ऑब्वियसली अब उनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी और गलत गाड़ी को ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास कैसे पहुंच सकते थे, अगेन अनदर मिस्टेक। तो अब तक जो है मीडिया वालों ने ये न्यूज़ स्टार्ट कर दी थी कि जो बंदी पहले मरी थी लेसी महाफी और ये क्रिश्चियन जो है इन दोनों का लिंक है एक दूसरे के साथ, यानी कि ये वही बंदा है जिसने जो है पहली बंदी को मारा था।
मगर पुलिस वाले अभी तक वो लिंक नहीं कर रहे थे। जो FBI प्रोफाइलर था जिसने इस कार्बो रेपिस्ट के बारे में एनालिसिस किया था, उससे जब पूछा गया तो उसने यही कहा कि ये जो भी बंदा है वो बड़ा सेडिस्ट है, और उन लोगों ने कहा कि ये अपनी 20s में है, ये बंदा गोरा है, वही चीजें, हैंडसम है, और यानी अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये बंदा जो है वायलेंट हो सकता है। और फिर वही बंदा यही कहता है कि नहीं, इसका कनेक्शन वो स्कार्ब्रो रेपस से नहीं है। आई मीन, ये कौन सी क्वालिफिकेशन होती हैं ऐसे लोगों की? आई मीन, इतनी बड़ी मिस्टेक आपको नहीं दिख रहा, वही चीजें आपने पहले एक स्कार्ब्रो रेपिस के बारे में बोली, और वही चीजें एग्जैक्टली सेम थिंग इस बंदे ने इस चीज के बारे में बोली, और फिर बाद में कह दिया कि नहीं, इन दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। पॉल और कार्ला ने क्रिश्चियन को वहां पर काफी दिनों तक रखा अपने पास, और उसको बड़े ब्रूटली उसके साथ मिसयूज करते रहे, उसका रेप करते रहे, और मीनवाइल उसकी रिकॉर्डिंग्स बना रहे थे। यानी उन लोगों ने एक अच्छी खासी कलेक्शन जो है वीडियोस की बना ली थी। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है ना, वो अपना क्राइम करते हुए उनको रिकॉर्ड करना, या क्राइम सीन से कोई चीज़ ऐसी ले जाना जो उनको उस क्राइम की याद दिलाए ना, ये एक बहुत ही, आई डोंट नो, साइकोस की आदत है। उनको देखकर अपने क्राइम को कि देखो हमने क्या अचीव किया, उनको बड़ी खुशी होती है। तो इसी तरह से अब पॉल के पास अच्छी खासी कलेक्शन हो गई थी, और इस बंदी को भी उन्होंने काफ़ी अरसे तक अपने पास रखा, और जब पॉल का दिल भर गया तो इस बंदी का भी गला घोट के उन लोगों ने मार दिया। April 30th, 1992, ये वो दिन है जब क्रिश्चियन की बॉडी लोगों को मिलती है, और उसकी बॉडी जो है बर्लिंगटन में एक डिच में से मिलती है। बर्लिंगटन और सेंट कैथरीन्स में थोड़ा सा ही फासला है, मगर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। January 1993, पॉल कार्ला को बहुत बुरे तरीके से मारता है, और वो एक टॉर्च यूज़ करता है उसको मारने के लिए। तो यानी उसको दो ब्लैक आइज बिल्कुल उसकी आँखें हो रही होती हैं, उसकी रिब्स तोड़ देता है, वो इतनी बुरी तरीके से मारता है कि कार्ला को इमरजेंसी रूम में जाना पड़ा हॉस्पिटल में। अब 2 साल उस बंदे के साथ गुजारने के बाद अब कार्ला से और नहीं बर्दाश्त हो रहा था, और इस वक्त उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस बंदे को छोड़ दूंगी एंड आई एम गोइंग टू मूव ऑन विद माई लाइफ फाइनली। एनीवेज, इसी वक्त अब जो DNA, याद है आपको, 2 साल हो गए थे उस DNA को शेल्फ पे बैठे बैठे, तो वो फाइनली DNA जो है चेक होता है, एंड ऑब्वियसली वो DNA स्कार्ब्रो रेपिस के साथ मैच हो जाता है। 2 साल लगे इस चीज को, 2 साल, 2 years। तो अब क्योंकि पुलिस को ये पता चल गया था कि उनके पास एक नाम आ गया है, मगर उन लोगों ने ये सोचा कि हम पहले इस लड़की को अप्रोच करते हैं, मतलब कि कार्ला को अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है बनिस्बत कि अगर वो डायरेक्टली पॉल के पास जाते। तो उन लोगों ने कार्ला को बुलाया ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन क्वेश्चनिंग के लिए। अब कार्ला ये समझ रही थी कि उसको इस वजह से बुलाया जा रहा है क्योंकि वो जो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था, क्योंकि उसकी पिटाई जो हुई थी, उसने बड़े बुरे तरीके उसको मारा था। क्योंकि जब भी इस तरीके के केसेस आते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको पुलिस के पास रिपोर्ट करें, और ये एक डोमेस्टिक वायलेंस केस बन गया था। तो कार्ला ये समझी कि वो उनके पास उस सिलसिले में जा रही है। तो अब कार्ला जब पुलिस के पास जाती है तो ऑब्वियसली उसने पुलिस वालों को सब कुछ नहीं बताया, यू नो, आई डोंट नो कि उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन से क्या हुई। मगर फिर वो अपने माँ बाप के घर आती है, और उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो ये सोच रही थी कि पुलिस वालों को कुछ पता है और जो है अब पुलिस वाले उसको पकड़ने वाले हैं। तो इससे पहले कि ये हो, तो उसने अपने माँ बाप को अपनी सारी सारी चीज़ें बता दी कि मैंने अपनी बहन का भी कत्ल किया है, मैंने इन 2 लड़कियों का भी कत्ल किया है, और मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें थी। ऑब्वियसली आई डोंट नो कि उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरी होगी कि एक बेटी है जिसका कत्ल हो गया है और एक बेटी जिसने कत्ल किया है। तो एनी हाउ उसके माँ बाप उससे ये कहते हैं कि तुम एक लॉयर जो है उसको हायर करो, और वो एक लॉयर को हायर करती है, लॉयर को भी बताती है कि भाई मैंने अपनी बहन का भी कत्ल किया और मैं 2 और कत्ल हुए हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व थी। और कार्ला ये अग्री करती है कि वो पॉल के अगेंस्ट टेस्टिफाई करेगी कोर्ट में, इन एक्सचेंज के उसको जो सज़ा मिले वो थोड़ी पॉल से कम मिलेगी। अक्सर केसेस में होता है कि अगर आप किसी और के ऊपर, किसी और के लिए टेस्टिफाई कर देते हो या किसी और की चीज़ें बता देते हो पहले जाके, तो पुलिस वाले या कोर्ट आपको आपका सेंटेंस थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब कार्ला पुलिस के पास जाती है और अपना पूरा कन्फेशन उनके सामने उनको बता देती है, लिखवा देती है। अब
जब इन लोगों का ये केस चल रहा था तो ये बड़ी डिबेट चल रही थी कि कार्ला कितनी इन्वॉल्व थी इसमें, राइट? क्योंकि उसके जितने भी आप इंटरव्यूज देखोगे तो वो यही कहती है कि मैं तो खुद पॉल की विक्टिम थी, वो मुझसे ज़बरदस्ती ये करवा रहा था। और उसके जगह अगर आप देखोगे उसके इंटरव्यूज, वो बहुत इनोसेंट बन के बैठी है वहाँ पे, ऐसे इनोसेंट स्कूल गर्ल होती है, उसके कपड़े भी ऐसी हैं, और उसे जब क्वेश्चन करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी ही बन के, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट अवेयर, यानी बहुत ही इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। मगर आई डोंट थिंक दैट वॉज द केस। मेरे ख्याल से वो बंदी बड़ी शातिर थी उस वक्त, एंड आई थिंक वो भी इक्वली इन्वॉल्व थी इसके साथ वो चीज़ें करने के लिए। आई मीन, जो बंदी अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो जाए, आई डोंट ट्रस्ट हर। तो फिर पुलिस कार्ला को घर पे लेके जाती है उनके, और वो चाह रहे थे कि वो उसको उनको बताए कि भाई कहाँ पे किस लड़की को किस तरीके से किया, यानी पूरी वही सीन दोबारा से रिक्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे थे ताकि उनके पास एविडेंस हो, तो दे नो व्हाट दे आर डीलिंग विद। तो वहां पर लेके जाती है, सॉरी मुझे हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, मगर इट इज सो रिडिक्यूलस कि इन लोगों की एक्टिंग देखकर मुझे हंसी आती है यार। तो वो वहां लेके जाती है उनको, और एक वॉशरूम में वो उनको दिखा रही होती है कि इस बार टब में हमने उसको नहलाया, फिर यहाँ पर हमने उसको काटा, हमने यूं करा। फिर वो टर्न अराउंड करके उनसे पूछती है कि क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, बड़े इनोसेंट स्टाइल में। ओ, मेरे यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम्स पड़े हुए थे, मेरे परफ्यूम्स कहाँ चले गए, सारी चीजें उठा के कौन ले गया? आई मीन, आप एक ऐसी सिचुएशन में हो, आप वहां पे पुलिस के साथ हो और आपको आपके परफ्यूम की पड़ी हुई है, तो काफी जगह पे जो है ना दिखता है कि वो बंदी अपने इमोशंस नहीं दिखाती। यानी अगर आपने कोई ऐसा किया है तो उसके बाद आपको एक एहसास होना चाहिए कि आपने गलत काम किया है, कुछ तो रिमोर्स दिखाओ आप। मगर उसमें से वो इमोशंस बिल्कुल ही नहीं दिखे कार्ला में से, मगर वो कह ये रही थी कि नहीं मैं खुद ही विक्टिम हूं। तो यू नो, आई 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 डोंट बिलीव हर एट ऑल पर्सनली। फिर वो आगे जाके पुलिस वालों को ये भी बताती है कि पॉल जो हर चीज की रिकॉर्डिंग बनाता था, तो तुम लोग घर पे सर्च करो और आपको वो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अब ये रिकॉर्डिंग्स थी जैसे कि स्मोकिंग गन, ये उन लोगों के लिए बहुत ही हार्ड एविडेंस था इन दोनों को अंदर करने के लिए। February 17, 1993, ये वो दिन है जब पॉल बर्नार्डो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद वो उसके घर पे पहुंचते हैं देखने के लिए कि वो जो टेप्स थी वो कहाँ है। 71 days वो लगाते हैं उसके घर में ढूंढ ढूंढ के, ढूंढ ढूंढ के, मगर उनको वो टेप्स कहीं नहीं मिलती। और ये टेप्स उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि आई विटनेस तो एक तरीके का है, मगर उनके पास अगर ये टेप्स हाथ में आ जाती तो यू नो दैट वाज लाइक हार्ड एविडेंस अगेंस्ट बोथ ऑफ देम। अब क्योंकि पुलिस को वो टेप्स नहीं मिल रही थी, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्ला की टेस्टिमोनी पे डिपेंड कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली उनके पास वो डीएनए सैंपल्स भी आ चुके थे, मगर जो जो एक ऐसी सॉलिड चीज थी वो कार्ला की टेस्टिमोनी थी जो कि पॉल को बिहाइंड बार्स डाल सकती थी। अब ये जो अग्रीमेंट कार्ला और पुलिस के साथ हुआ था कि वो टेस्टिफाई करेगी और इसके बदले में उसकी जो सजा होगी वो कम कर दी जाएगी, ये सारी पब्लिक से छुपा के की गई थी। तो इस वजह से पब्लिक जो है इस मामले में इतना यानी गुस्सा चढ़ा हुआ था पब्लिक को कि किस तरीके से आपने ये चीज हम लोगों से छुपाई। आई मीन, देयर वाज एन अपरोर अबाउट इट कि व्हाई दिस थिंग वाज हिडन फ्रॉम द पब्लिक। मैं भी सोचूं मेरे शक्ल में क्या चीज की कमी लग रही है, तो ऑब्वियसली हम ब्लश लगाना भूल गए थे। एनीवेज, June 28, 1993, ये वो दिन है जब कार्ला जो है कोर्ट में जाती है और इनका केस स्टार्ट हो जाता है, मगर इस केस पे पब्लिकेशन बैन लग गया था। मतलब कि कोई इस केस पे रिपोर्ट नहीं कर सकता था, कोई इस केस के बारे में बातें नहीं कर सकता था, और वंस अगेन अवाम को ये चीज नहीं भा रही थी, और अवाम का गुस्सा जो था वो जोरों खरोश पे था कि किस तरह से आप एक इतने इंपॉर्टेंट केस को हमसे छुपा रहे हो, हमको क्यों नहीं डिटेल्स बताई जा रही है। तो क्योंकि कार्ला ने प्ली डील कर ली थी, तो कार्ला को मैन स्लॉटर चार्जेस पे सिर्फ और सिर्फ 12 साल की सजा दी गई। ऑब्वियसली आप तो जानते हो, पब्लिक तो पागल हो गई, पब्लिक तो वाकई में यानी कि भाई उसने 3 लोगों का कत्ल कर दिया और आप उसको सिर्फ 12 साल के लिए जेल में डाल रहे हो। ये बात तो मुझको भी नहीं हजम होती है, मगर आई गेस दैट वाज इट। अब इनका जो नाम कैन और बार्बी किलर जो रखा गया है वो यूएस वालों ने रखा था, क्योंकि ये न्यूज जो है, ये केस जो है बहुत हाइप हुआ है। ऑब्वियसली इस केस को बहुत अटेंशन मिला है, मिली है मीडिया से, तो यानी इस दुनिया भर में जाने गए थे ये लोग। इट्स अ बिग नेम, जैसे कि टेड बंडी हो गई, ये बड़े बड़े नाम हैं सीरियल किलर्स, राइट? सो
ये इनको यूएस में जो है लोग केन और बार्बी किलर के नाम से जो है जानते थे, यानी उन्होंने ये टाइटल जो है यूएस वालों ने ये टाइटल इनको दिया था, द केन एंड बार्बी किलर, क्योंकि वो इतने खूबसूरत थे, सच गुड लुकिंग कपल, हाउ कैन दे बी किलर्स। तो ऑब्वियसली अब कार्ला को जेल भेज दिया गया था, मगर अगस्त 2, 1993 में कार्ला ने डिवोर्स के लिए फाइल किया। मई 18, 1995 को पॉल का ट्रायल स्टार्ट होता है और वो ऑब्वियसली डिनाई कर देता है इन सारे चार्जेस पे। उसमें 9 चार्जेस लगाए गए थे, मैन स्लॉटर, मर्डर, एग्रीवेटेड असॉल्ट, किडनैपिंग, कन्फाइनमेंट, यानी पता नहीं कौन कौन से चार्जेस थे। अब प्रोसिक्यूटर्स के पास एक ऐसा एविडेंस आ गया था जिसका उन्होंने किसी को भी नहीं बताया था। उन लोगों को वो टेप्स मिल गई थी जो पॉल ने अपने घर में छुपाई नहीं थी। वो कहाँ से मिली, कैसे मिली, इसका मुझे नहीं पता, आई डिडंट डिग डीप टू मच इनटू इट, मगर वो उनको मिल गई थी। तो अब उनके पास डायरेक्ट एविडेंस आ गया था पॉल के खिलाफ ही नहीं, कार्ला के खिलाफ भी, क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा, उन लोगों को दिख सकता है कि कार्ला क्या फोर्स की जा रही थी, उसको फोर्स किया जा रहा था ये काम करने के लिए, या वो विलिंगली खुद ही कर रही थी ये सारे काम। तो अब जब ये टेप्स देखना शुरू की गई तो ऑब्वियसली सारा सच का सच सामने आ गया, और उसमें यानी जिस तरीके से कार्ला ने सारी चीजों के बारे में बताया था वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट निकला। मतलब कि उसमें देखा जा सकता था कि कार्ला ने उसमें इक्वली जो है पार्टिसिपेट किया था जैसे कि पॉल कर रहा था। तो अगर ये टेप्स पहले मिल जाती तो कार्ला के साथ जो प्ली डील करी थी वो शायद थोड़ी डिफरेंट की जाती, बनिस्बत के उसको 12 साल का जो सेंटेंस मिल गया था। तो ऑब्वियसली जो पॉल के लॉयर्स थे उन्होंने ये कहा कि वीडियोस में पॉल कहीं किसी का कत्ल करते हुए नहीं दिख रहा है, और उन्होंने ये कहा कि ये कत्ल पॉल ने नहीं, एक्चुअली ये कार्ला ने किए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली टेप में तो वो सेक्सुअल असॉल्ट ही दिख रहा था, उन्होंने आई गैस उन्होंने मारते हुए नहीं रिकॉर्ड किया होगा, मगर कोई नहीं दिख रहा था उनको। तो राइट दे पिक दैट वन पॉइंट उन्होंने पकड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, इसने तो किया नहीं है, वो सारा कुछ कार्ला ने किया है, उसके मत्थे डालने की कोशिश की। जून 19, 1995 वो दिन है जिस दिन कार्ला ने आके टेस्टिफाई किया अगेंस्ट पॉल, और उसने वहां पर यही बोला कि मैं जो हूँ मैं खुद इसकी विक्टिम हूँ, और ये मुझको फोर्स कर रहा था, और मैं बैटर्ड स्पाउस सिंड्रोम से जो है गुजर रही हूँ, यू नो। मगर जो टेप्स हैं उसमें अच्छी तरीके से देखा जा सकता है कि कार्ला जो है वो खुद पार्टिसिपेट कर रही थी, यानी कि वो एक अकॉम्प्लिस दिख रही थी उनकी, बनिस्बत के उसको फोर्स किया जा रहा था। आई मीन जो बैटर्ड स्पाउस होते हैं उनको बहुत अब्यूज किया जाता है, वो मेंटली टॉर्चर होते हैं, और ऐसा कुछ जो है उन टेप्स में देखकर लग नहीं रहा था। अब जो जज था उसने ये इजाजत दे दी ज्यूरी को, क्योंकि ज्यूरी ने ये केस डिसाइड करना था, तो ज्यूरी को ये इजाजत दी गई कि आप ये वीडियो टेप्स देख सकते हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन कि उन टेप्स पे क्या था, और पब्लिक के लिए सिर्फ उसकी ऑडियो जो है वो अवेलेबल कर दी कि पब्लिक जो है उसकी सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं। इस वजह से क्योंकि जो बेचारे जिन जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज जो हैं वो जब देखेंगी वो सुनेंगी तो फिर उनके ऊपर क्या गुजरे, इस वजह से सिर्फ ज्यूरी को ये इजाजत मिली कि वो ये टेप देख सकते हैं। अब पॉल का ट्रायल काफी महीने तक चला, और जब ज्यूरी अपना डिसीजन लेने के जाती है तो ज्यूरी 5 घंटे तक वो इसके ऊपर लगे रहे, और फिर उन्होंने वापस आकर सितंबर 1, 1995 को ये बात हुई, उन्होंने वापस आकर पॉल को जो है सारे 9 चार्जेस पे गिल्टी करार दिया, जिसमें से कि 2 मर्डर थे और सेक्सुअल असॉल्ट, और वो जो सारे उसके ऊपर मैन स्लॉटर के चार्जेस लगे थे, किडनैपिंग के, वो सारे चार्जेस पे उसको गिल्टी पाया गया, और फिर पॉल को उम्र कैद की सजा भी सुना दी गई। अब जब पॉल जेल के अंदर था तो उसने 14 और रेप के केसेस को कन्फेस किया, जिसके बारे में तो हमको पता ही नहीं था, किसी को भी नहीं पता था। तो खैर उसने खुद ही ये कन्फेस किया कि मैंने 14 और केसेस ऐसे किए हैं। तो इसको सुनने के बाद जो जज है उसने पॉल को एक डेंजरस ऑफेंडर करार दिया गया, मतलब कि वो सारी जिंदगी ही जेल में गुजारेगा, और अगर कभी वो बाहर आता भी है, जो सेक्सुअल प्रेडेटर्स होते हैं तो उनकी एक लिस्ट बनती है यहाँ पर, और उनके नाम के साथ वो लिखा जाता है कि यू नो दे हैव बीन चार्ज फॉर सेक्सुअली मोलेस्टिंग या रेप या जो भी होता है केसेस, तो उनकी वो सेक्सुअल ऑफेंडर्स में लिस्ट में नाम आ जाता है। एक दफा आपका नाम उसमें आ गया, इट्स ऑलवेज गोइंग टू स्टे देयर।
और इसके साथ साथ जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है पैरोल की कि आप दोबारा से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरा सेंटेंस कम कर दिया जाए, तो वो भी ख़त्म हो गया पॉल के साथ. लाइक आई थिंक उसको पैरोल की इजाज़त 25 ईयर्स के बाद मिलेगी या शायद ना भी मिले, वी डोंट नो. मगर आई रियली पर्सनली थिंक कि इस बंदे को जेल के पीछे ही सड़ के मरना चाहिए. तो इस केस की सबसे जो डिबेटेबल बात रही है, और इस केस में लोग आज तक इस पर बात कर रहे होते हैं कि जो कार्ला थी उसको बहुत ही कम सजा मिली, और जैसे कहते हैं ना शी गॉट अवे विद मर्डर, तो ये डिबेट चलती रही. लोग यही कहते रहे कि शी एक्चुअली गॉट अवे विद मर्डर, उसको और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी, यानी उसको भी जो है उम्र कैद मिलनी चाहिए थी. कार्ला की जो प्ली डील थी उसको कहा जाता है कि कैनेडा की हिस्ट्री में ये सबसे बुरी प्ली डील थी, यू नो, यानी बिल्कुल ही बेकार. और फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन इनकी हो रही थी उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई देखने के लिए कि क्या चीज़ें, किस जगह पे हमारी कमी रह गई थी जिसको हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि आगे जाकर जो सीरियल किलर्स हों और ऐसी चीज़ें हों तो उनको हम किस तरीके से पकड़ सकें. अपने यानी पुलिस वालों की जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए, चीज़ों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए. आई मीन दो साल तक DNA उनका जो है सैंपल वहाँ पे बैठा रहा, अगर ये 2 साल पहले ही उसका DNA सैंपल कर सकते थे तो शायद ये जो बच्चियाँ थीं उनकी जाने ना जाती. July 4th, 2005, ये वो दिन है जब कार्ला हमोका जेल से रिलीज हो जाती है. सिर्फ 12 साल जेल में बिताने के बाद वो रिहा हो जाती है. अब ऑब्वियसली रिलीज होने के बाद वो अपने उस टाउन में तो जाके रह नहीं सकती थी, सेंट कैथरीन्स में, क्योंकि वहां तो सब लोग उसको जानते थे कि उसने क्या किया है. तो कार्ला मॉन्ट्रियल मूव हो जाती है. फिर कार्ला ने ये भी कहा कि उसको जो है अभी भी रात को ख्वाबों में उन लड़कियों की मेमोरीज आती हैं और उसको नाइटमेयर्स आते हैं, और वो बहुत गिल्टी फील करती है, यानी कि वो रिमोर्स शो करना चाहती है उन लोगों के लिए जिनको उसने मार दिया, जिन लड़कियों को उसने कत्ल कर दिया. टू लेट नाउ आई थिंक. उसके बाद कार्ला ने कोर्ट जाकर अपना नाम, लीगल नाम जो उसका था, वो चेंज करने की भी कोशिश की, मगर कोर्ट ने उसकी ये रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि तुम एक पब्लिक फिगर हो और आई गेस उसकी जो हरकतें थी वो सबको जाननी चाहिए आई गेस इस वजह से, आई डोंट नो. मगर अच्छा ही हुआ कि उसका नाम उसको चेंज करने के लिए नहीं दिया गया. उसके बाद कार्ला ने दूसरी शादी की और उसके 3 बच्चे भी हो गए. एज ऑफ 2020 हमको ये पता चलता है कि कार्ला अपने जो दूसरा हस्बैंड था उसके साथ भी नहीं रहती और उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते हैं. इस दौरान कार्ला ने वॉलंटियर वर्क किया, एक एलिमेंट्री स्कूल था या प्री स्कूल था, उसमें जब लोगों को ये बात पता चली कि वो कहाँ काम कर रही है तो ऑब्वियसली लोगों ने शोर मचाया कि इसको, जो जिसने बच्चों की जान ली है उसको बच्चों के साथ आप किस तरह रख रहे हो वहाँ पे. यानी किसी ने बैकग्राउंड चेक नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, किसी को पता ही नहीं चला उसके नाम से कि वो बंदी कौन है, और उसको बच्चों के साथ ही काम करने में वहाँ पे आपने रखा हुआ था. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह से लोग जब अपना काम सही से नहीं करते उनकी लापरवाही की वजह से आगे जाके किसी और को सफर करना पड़ता है. That's all there is to it. और obviously वो जहाँ भी जाती है obviously उसका नाम लोग जानते हैं, तो उसको कोई भी कहीं पे वेलकम नहीं करता है, और obviously उसके पीछे एक अच्छी रीजन भी है, वजह भी है, इस पूरे केस में हम सब यही देख सकते हैं कि कार्ला जो है उसको, उसकी जो प्री डील हुई थी वो सही नहीं की गई, उसमें भी गलतियां थी, और उसको सिर्फ 12 साल के लिए जेल नहीं होनी चाहिए थी. आई मीन उसको भी जेल में सड़ना चाहिए था, उम्र कैद होनी चाहिए थी उसको भी वहाँ. आई डोंट नो यार, उसने अपनी बहन को मार दिया, उस दूसरी लड़कियों को तो आप छोड़ो, जो बंदी अपनी बहन की जान ले रहे उसको आपने 12 साल के बाद कैसे रिलीज कर दिया. यानी मैं कभी कभार वाकई में क्वेश्चन करती हूँ हमारे कैनेडियन जो सिस्टम है, यहाँ पे सजाओं का जो सिस्टम है उसको बेहतर होने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पीपल गेट अवे विद मर्डर, लिटरली शी गॉट अवे विद मर्डर. 12 साल क्या होते हैं, और जब वो बाहर आई है तो उसकी एज 35 थी, शी वॉज इन दैट ओल्ड, यानी वो अपनी पूरी इंजॉय कर सकती है लाइफ. हाँ ये अलग बात है कि जहाँ भी वो जाएगी लोग उसको पहचानते हैं, शायद सब ना पहचानते हो, इसी तरह से उसको जो स्कूल में जॉब मिल गई थी, तो इट्स जस्ट डिस्गस्टिंग टू सी दिस होल सिस्टम ब्रेक अपार्ट, यानी सिस्टम्स के अंदर होल है.
सो एनी वेज गाइज, ये थी कहानी कार्ला हमोका और पॉल बर्नार्डो की। मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरी सेकेंड एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेकअप और एक कहानी की जो एपिसोड, जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, अच्छी लग रही होगी। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज 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 शेयर कीजिए लोगों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे क्या चीज फिक्स करने की जरूरत है, किस तरह से मैं इस वीडियो को बेहतर बना सकती हूँ, या आप नेक्स्ट किसके बारे में स्टोरी जानना चाहते हैं, या मैं किसके ऊपर स्टोरी बनाऊं। मेरा मेकअप भी हो गया है और अब वीडियो के एंड करने का टाइम आता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी चेहरे पे कौन सी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक सब मिल जाएंगे आपको, सारे नाम मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। अब मेरे जाने का वक्त है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।